फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को स्वेटर डिज़ाइन बता रही हूँ और बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, बेबी स्वेटर, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखना, आप लोग स्किप नहीं करना। और इस डिज़ाइन पर हमें कमेंट आया था कि इसको फिर से बताना, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आज हम फिर से बता रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखना तो डिज़ाइन कैसे बनेगी और कितने फंदे में बनाया है हमने। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये देखो, डिज़ाइन हमारी जो बनी हुई है ये पांच फंदे में है। पांच फंदा करके हमने डिज़ाइन का लिया है और बीच में दो दो फंदा लिया है हमने, उल्टा दिया है गैप देने के लिए। और दोनों साइड में हमें एक एक फंदा रखना है सिलाई के लिए। तो ये हमारा फ्रंट है, चलिए बताती हूँ कैसे बनेगा। इसमें हमने देखो 18 फंदा लिया है, एक फंदा हम इधर रखेंगे सिलाई के लिए, एक फंदा इधर, और बीच में दो फंदा करके हमें गैप देना है। और बीच में दो डिज़ाइन हमारी आएगी पाँच फंदा करके। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनेगा। देखो, ये फर्स्ट वाली सिलाई है हमारी। पहले हम एक फंदा सिंपल बना लेंगे सीधा, अब धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा बनाएंगे हम, धागा अब पीछे करेंगे। ये पांच फंदा जो डिजाइन वाला है इसको देखो, दो फंदा हमें आगे से बनाना है। फंदे थोड़ा सा ढीला रखना आप लोग। दो फंदा पहले हम दो का एक करेंगे आगे की साइड से, अब धागा हम आगे लाएंगे, ये बीच वाला फंदा हम एक ऐसे स्लिप कर लेंगे और ये धागा हमारा इधर ही रहेगा। ये देखो, एक फंदा स्लिप किया, अब ये धागा हमारा इधर ही रहेगा। अब ये दो फंदा हम लेंगे पीछे एक साइड से और इसके ऊपर से ले जाएंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। अब यहाँ दो का एक किया, फर्स्ट में एक दो का एक किया, लास्ट में दो का एक, बीच में हमारा एक फंदा था उसको हमने स्लिप किया और ये धागे को हम ऊपर से लेंगे, धागा आगे करेंगे। देखो, ये दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे, दो फंदा देखो उल्टा बनाया, धागा पीछे। अब ये पांच फंदा डिजाइन का है, इसको हम दो फंदा लेंगे देखो आगे से, दो का एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, बीच वाला एक फंदा हम स्लिप करेंगे। अब ये दो फंदा हम पीछे एक साइड से देखो दो का एक करेंगे और धागा हमारा इधर से ऐसे जाएगा, फिर धागा आगे, ये दो फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा सीधा। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई सीधा साइड से पहली सिलाई। अब उल्टे तरफ से हमें देखो कैसे बनाना है। पहले तो हम ये पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे और इस वाले फंदे को हमें देखो ऐसे स्लिप करना है, इसको ये दोनों फंदा हम एक साथ स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया है उसको हमें स्लिप करना है उल्टे तरफ से। देखो, ये दो फंदा है ना, ये दोनों एक साथ हम स्लिप करेंगे और बाकी फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। तो उल्टे साइड से हमें ऐसे बनाना है। अब सीधा साइड से देखो फिर से कैसे बताते हैं। फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके दो फंदा उल्टा बनाएंगे पहले हम, अब धागा पीछे, अब ये फंदा है तो इसको हम एक फंदा बनाएंगे और धागा आगे करेंगे। देखो, धागा आगे करेंगे, अब ये दो फंदा है तो दोनों एक साथ हम स्लिप करेंगे और एक फंदा बचा तो इसको हम देखो ऐसे ले लेके ऐसे बना लेंगे, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा पहले हम सीधा बनाएंगे और धागा आगे, ये दो फंदा हम स्लिप करेंगे और ये धागा हमारा इधर ही रहेगा, इसको हम एक फंदा बनाएंगे तो ऐसे ले जाएंगे। तो हमारा तीन हो गया, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा, ये तीसरी सिलाई है हमारी। और उल्टी तरफ से हमें पूरे फंदे को पहले उल्टा उल्टा बनाएंगे, जो फंदा हमने स्लिप कर रहे हैं उसको हमने स्लिप करना है। अब ये देखो, तीन फंदा हो गया तो तीनों को हम एक साथ स्लिप कर लेंगे ऐसे और बाकी फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये तीन फंदा है, इसको हम एक साथ स्लिप करेंगे। ये चार सिलाई हो गई हमारी। अभी पांचवा सिलाई देखो हमें, अभी देखो सीधा साइड पांचवी सिलाई है। फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके दो फंदा धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे हम, अब धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर इसको हम तीन फंदा एक साथ स्लिप करेंगे।
अब इसको हम ले जाएंगे तो ये हमारा चार फंदा हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे हमें चार फंदा इसको करना है। अब धागा आगे करेंगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा पहले सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, ये तीन फंदा एक साथ हम देखो स्लिप करेंगे, और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा इधर जाएगा ऐसे, दो फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा सीधा। अब उल्टे तरफ से देखो हमें कैसे बनाना है। फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, अब इसमें से एक फंदा पहले हम बना लेंगे। अब ये चार फंदा देखो एक साथ हमें लेना है, चार फंदे को ऐसे में एक साथ इसको लेंगे, और चार फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है। पहले एक, फिर ये दो हो गया, वापस उसी जगह लेंगे, तीन फंदा हो गया। तो चार फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है, एक फंदा हमारा इधर, एक फंदा इधर, तीन फंदा ये, पाँच फंदा वापस हो गया। अब एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, और ये दो फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर ये चार फंदा, चार फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है और उल्टे एक साइड से बनाना है ऐसे। देखो एक, फिर ये दो हो गया, एक तीन हो गया। अब ये दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे, लास्ट में एक फंदा है उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। अब सीधा साइड देखो फिर से हमें कैसे करना है। फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे पहले हम, देखो फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करके धागा आगे, दो फंदा उल्टा बनाएंगे पहले हम, अब धागा पीछे। अब ये देखो पहले इसको नहीं बनाना है, अब ये तीन फंदा है तो हमें दोनों एक साथ लेना है, एक फंदा इसमें से और एक फंदा आगे वाला, ये दो का एक फिर से हम करेंगे। अब फिर धागा आगे करेंगे तो एक फंदा इसमें से हम बीच वाला स्लिप करेंगे, और ये दो फंदा हम एक साथ बनाएंगे। देखो इसको धागे को पहले फंदे को सीधा करना, फिर ये दो का एक करेंगे पीछे की साइड से, धागा हमारे धीरे रहेगा, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया सेम उसी तरीके से बनाना है। ये देखो तब हमारी डिजाइन ऐसे बन के आएगी, दो फंदा उल्टा। अब इसमें से देखो तीन फंदा है तो इसमें से फर्स्ट वाला फंदा और आगे वाला फंदा दोनों एक साथ लेंगे, आगे की साइड से दो का एक करेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा स्लिप करेंगे बीच वाला, और धागा हमारा इधर जाएगा, इसको हम पहले सीधा करेंगे, फिर इसको पीछे के साइड से बनाएंगे ऐसे, और दो फंदा उल्टा। तो डिजाइन हमारी इसी तरीके से बनेगी, और हमें पहले ये चार, एक फंदा हमने स्लिप किया, तीन फंदा हमने उस पर घुमाया। ये देखो पहले हमने एक फंदा इसमें स्लिप किया, फिर धागे को हमने जैसे बनाना है तो ऐसे हमें चार चार फंदा यहाँ करना है। जब ये चार फंदा हो जाएगा तो हम उल्टे साइड से चार फंदे का तीन फंदा बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। डिजाइन हमारी रेडी है, ऐसे बना के हमने रखा हुआ है, पूरी डिजाइन हमारी कंप्लीट है, जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से बना हुआ है। और ये धागा हमारा थोड़ा मोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है। आप लोग जैसे बनाना होगा थ्री प्लाई के धागे से तो ऐसे बनाइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।